जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूरे परम पूज्य लक्षण धर्म की जय। पूरे परम पूज्य स्वामी श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। सागर जी महाराज की जय। जय धरती में बीज बोते हैं, मृदु माटी का संसर्ग पाकर वह अंकुरित होता है, उसमें नम्रता आती है, मृदुता आती है, वह अंकुरित होता है तो उसका अंकुर सीधे ऊपर की ओर उठता है। उस अंकुर के साथ जो खरपतवार उगाते हैं उन्हें साफ करना पड़ता है, उनकी निदाई गुड़ाई करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वह बीज पल्लवित होता है, उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं और फिर बीज अपने सारे फलों को पेड़ अपने सारे फलों को त्याग देता है और उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहता, वह अपने स्वरूप में रमा रहता है। सच पूछो ते दस लक्षण धर्म बीज से वृक्ष की इसी यात्रा का नाम है। क्षमा की धरती पर जब हम अपने जीवन के बीज को बोते हैं, मृदुता की माटी से मृदु बनकर उसमें जो अंकुर फूटता है वो सरलता से सीधा जाता है और उसके इर्द गिर्द उगाए खरपतवार की सफाई का नाम ही शौच है, तब कहीं सत्य के सूर्य का दर्शन होता है और उसमें संयम के फूल लगते हैं, वह तप की आँच में तपता है, तब उसमें फल लगते हैं और जब फल लगता है तो उसे त्याग देता है। सारे फल को त्यागने के बाद जो बचता है वह अकिंचन होता है और यही उसका ब्रह्म स्वरूप है। जीवन में जो भी अर्जित करे उसे छोड़ दे। तो ये दस लक्षण पर्व हमें बीज से वृक्ष बनने की यात्रा की गाथा सुनाता है। यदि हम अपने जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक रीति से समझ सके तो बीज से वृक्ष की इस विराट यात्रा का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। आज से पर्युषण, इसे हम पर्युषण भी कहते हैं, दस लक्षण भी कहते हैं। क्षमादिक दस धर्म हैं, ये धर्म के लक्षण हैं। यदि हमारे अंतरंग में ये गुण प्रकट हो रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि मेरे जीवन में धर्म के लक्षण प्रकट हो गए। अगर ये लक्षण प्रकट होंगे तो तुम्हारा जीवन सुनिश्चित तौर पर विलक्षण बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। दस लक्षण की पूजा तो आप हर साल करते हैं पर कभी अपने लक्षण को देखने की कोशिश की कि नहीं की? मुझे नहीं पता आज तक क्या हुआ, पर मैं यही चाहता हूँ इस बार का दस लक्षण ऐसा हो जो तुम्हारे लक्षण को बदल डाले, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो। ये सोच अपने भीतर होनी चाहिए। हमारे जीवन में जब तक सद्गुण विकसित नहीं होते तब तक हमारा जीवन समर्थ नहीं बनता। मनुष्य के पास सत्ता हो, संपत्ति हो, सामग्री हो, वो एक तरफ है, पर उसके अंदर का जो सद्गुण है वो एक तरफ है। सद्गुण हमारे जीवन की वास्तविक उपलब्धि है और बाकी सब चीज़ें क्षणिक संयोग, हमें क्षणिक संयोगों में रमने की जगह अपने सद्गुणों के विकास के विषय में सोचना चाहिए। जैसे जैसे हमारे सद्गुण विकसित होंगे वैसे वैसे हम अपने जीवन को उन्नतशील बनाने में
समर्थ हो सकेंगे। ये जैन धर्म की विशेषता है। हम लोगों की जो पूजा अर्चा है उसका उद्देश्य ही एक है, बंदे तद्गुण लब्धे। दुनिया में अनेक धर्म हैं, वहाँ जो पूजा की जाती है उपास्य को प्रसन्न करने के लिए, और जैन धर्म पूजा की प्रेरणा देता है जीवन को पवित्र बनाने के लिए। यहाँ आप सब पूजा करने के लिए बैठे हो, भगवान को रिझाने के लिए या अपना जीवन निखारने के लिए? किसके लिए? भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। भगवान तो कहते हैं मुझे प्रसन्न करने की कोशिश मत करो, अपने जीवन को इतना पवित्र बना लो कि सदाबहार प्रसन्न रह सको। अपने अंतस की पवित्रता हमारा मूल साध्य है, जिसकी तरफ हमारी सतत दृष्टि रहनी चाहिए, जो अंतरंग से पवित्र बनाए। ये पर्युषण पर्व एक विशुद्धतया आध्यात्मिक पर्व है। इन 10 दिनों में आप पूजा करोगे, किसकी? ऋषभदेव से महावीर भगवान की, वो तो हम रोज करते हैं, पर इन 10 दिनों में हम ऋषभदेव से महावीर भगवान की पूजा नहीं करेंगे। इन 10 दिनों में क्षमा, मार्दव, सरलता, शुचिता, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की पूजा करेंगे। विश्व में कोई धर्म ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म में 10 दिवस तक, देखिए थोड़ा किसी को शायद, 10 दिवस तक उदात्त जीवन मूल्यों की आराधना की जाती हो, और इन जीवन मूल्यों की आराधना को ही शीघ्रता से लाइटमैन मंच का पंखा, इन जीवन मूल्यों की आराधना को सबसे बड़े पर्व के रूप में देखा जाता है। ऐसा कोई पर्व जहां 10 दिन तक केवल जीवन मूल्यों की ही आराधना हो और किसी की आराधना नहीं। ये महापर्व आज शुरू हो रहा है। पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश इसके माध्यम से मिलता है कि हमारे जीवन मूल्य ही हमारे जीवन के लिए सर्वोपरि है। जब तक हम अपना गुणात्मक विकास नहीं कर लेते तब तक अपने जीवन का वास्तविक उत्थान भी असंभव है। तो हमारे जीवन का गुणात्मक विकास हो, वो लक्ष्य हमारे अंदर होना चाहिए। ये 10 दिन जब हम गुणों की पूजा कर रहे हैं, गुणों की आराधना कर रहे हैं, तो गुणों का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आज से शुरू करूं, है ना, शुरू करूं? ये 10 दिन मेरे गुणों में निखार के दिन है, मेरे अंदर गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए, और इसकी शुरुआत क्षमा से है। क्षमा को सबसे बड़ा धर्म कहा। क्षमा यानी सहिष्णु होना, सब चीजों को सहने की सामर्थ्य होना। पर आज मैं आपसे क्षमा की बात नहीं करूंगा, बात करूंगा क्रोध की, क्योंकि क्रोध के कारण ही हमारे जीवन में सारी गड़बड़ियां होती है। क्षमा है क्या? क्रोधोत्पत्ति का कारण मिलने पर भी क्रोध न करना। क्रोधोत्पत्ति का कारण मिलने पर भी क्रोध न करना क्षमा है। अपने मन से पूछो, तुम्हें क्रोध आता है कि नहीं आता? है इस सभा में ऐसा व्यक्ति जो ये कह सके मुझे रंच मात्र क्रोध नहीं आता? आता है ना क्रोध हर व्यक्ति।
व्यक्ति को कमोबेश आता है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके लिए कभी क्रोध ना आया हो या किसी के क्रोध का शिकार ना बना हो। ये तो रोज के व्यवहार में है, पर इससे बचना है। कैसे बचे, मैं आज आपसे कहूंगा चार स्थितियां हैं। क्रोध, विरोध, प्रतिशोध और बोध। आज चार बातें आपसे करूंगा, क्रोध, विरोध, प्रतिशोध और बोध। क्रोध आना एक दुर्बलता है, दोष है। क्रोध कब आता है? जब हमारे मन के विरुद्ध कुछ घटता है तो क्रोध आता है। और ये क्रोध कई रूपों में प्रकट होता है, झुंझलाहट के रूप में, खींच के रूप में, क्षोभ के रूप में अथवा बौखलाहट के रूप में। हल्का सा झुंझला जाना, खींच जाना, क्षोभ होना, ये क्रोध का मंदतम रूप है। झुंझला गया, रे तुम तो परेशान करते हो, पस्त हो गया, अभी मुझसे कोई बात मत करो, मेरा मूड खराब मत करो। खराब है तभी तो बोल रहे हो, बोलो मेरा मूड खराब मत करो या अभी मेरा मूड खराब है, ये किसके लक्षण है? यानी अंदर कुछ चल रहा है, वो अभी सामान्य स्थिति में नहीं है। ये भी एक प्रकार का क्रोध है जो आता है। झुंझलाहट है, खीज है, थोड़ा बड़ा रूप हो गया क्षोभ है, जिसमें रोष दिखता है। लेकिन इसका सबसे विकराल रूप होता है जब हम अपने वचनों में उसे प्रकट कर देते हैं, और वह क्रोध नहीं एक प्रकार का कि आग बन जाती है जो सबको खाक कर देती है, है ना? तो क्रोध एक आग है जो सामने वाले को भस्म करे या ना करे, खुद को तो भस्म कर ही डालती है। तो हमें देखना ये है कि मेरे क्रोध का स्तर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कि चारों, कौन सा है बोलो? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है कि चारों है? क्या हो गया कि इनमें से कोई नहीं? हाँ, चारों है, चारों है। तो संत कहते हैं ये क्रोध आए से रोको, उसे रोकने के उपाय की भी चर्चा भी थोड़ी देर बाद मैं आपसे करूंगा। लेकिन अगर क्रोध को क्रोध के स्तर पर रोक लिया जाए तो झमेला नहीं। झमेला कब होता है? जब क्रोध के बाद विरोध शुरू होता है। विरोध, जिसके प्रति क्रोध आता है, हम उसका प्रतिवाद करना शुरू कर लेते हैं, विरोध करना शुरू करते हैं, उसके प्रति द्वेष की भावना होती है। क्रोध द्वेष से बढ़ता है और द्वेष को बढ़ाता है। जिसके प्रति द्वेष होगा उसके प्रति क्रोध आएगा, जिससे प्रेम होगा उस पर कभी क्रोध नहीं आएगा। बोलो है क्या? गुस्सेल से गुस्सेल आदमी किसी के सामने ठंडा होता है। और मैंने तो बहुतों को देखा है जो गांव में शेर होते अपनी घरवाली के सामने भींगी बिल्ली बन जाते हैं। बहुत से ऐसे देखते है ना, माने वो क्यों है? क्योंकि उसके प्रति प्रेम है। जिसके प्रति प्रेम है वहां क्रोध अपना रूप नहीं दिखा पाता, क्योंकि प्रेम के आगे क्रोध नतमस्तक होता है। लेकिन द्वेष, जिसके प्रति द्वेष होता है ना, उसकी प्रति चाहे अनचाहे क्रोध आता है। हमारे मन में एक प्रकार का पूर्वाग्रह पहले से ही बन जाता है और हम उसे उल्टे नजरिए से ही देखते हैं, उसे सीधे देखते नहीं।
ये क्रोध हमें अंदर से हिला डालता है, तो द्वेष से बढ़ता है और द्वेष को बढ़ाता है, ये क्रोध का स्वभाव है। तो फिर क्या होगा, द्वेष होगा तो विरोध करो उसका, मौका ढूंढो, जिसके प्रति क्रोध हुआ विरोध, मौका ढूंढो उसका विरोध करो, चाहे तन से चाहे मन से चाहे धन से विरोध करो, उसकी गलती हो तो और गलती ना हो तो, किसी वजह पर किसी बात का प्रतिरोध करना समझ में आता है, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करना समझ से परे है। पर जब मन में द्वेष होता है तो ये विरोध का भाव जगता है। बोलो, अपने मन से पूछो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध की भावना है या नहीं? आज क्षमा धर्म के दिन हमें यह देखना है, तुम्हारा कोई विरोधी है या नहीं, तुम किसी को अपना विरोधी महसूस करते हो या नहीं। पहला पड़ताल, आंखें बंद कीजिए, एक पल के लिए देखिए कि मैं किसे अपना विरोधी मानता हूं, किसको देखकर मेरे मन में क्षोभ होता है, किसे मैं शत्रु के रूप में देखता हूं, किसके प्रति मेरे मन में शत्रुता का भाव होता है। आंखें बंद करिए, हैं दो चार नाम, एक आध नहीं है तो आपके लिए आज प्रवचन की कोई जरूरत नहीं, बहुत अच्छा है। और अगर है तो मैं कहूंगा, विरोधी को मिटाने की जगह विरोध को मिटा दो, विरोधी भी मित्र बन जाएगा। हमारे मन में जिसके प्रति द्वेष होता है, जिसे हम अपना शत्रु या विरोधी मानते हैं, उसके प्रति स्वाभाविक क्षोभ रहता है, क्रोध रहता है, उससे क्षमा करने का मनोभाव कभी नहीं जगता, और वह हमें अंदर ही अंदर सुलगाता है, हमारी स्थिति को असहज और असामान्य बना देता है। होता है, आज हम क्षमा धर्म की आराधना कर रहे हैं, क्यों ना हम ऐसा करें कि मन को इतना निर्मल बनाए कि संसार में मेरा कोई विरोधी ही ना हो। इसका उपाय है, क्या है, क्रोध को क्रोध में ही खत्म कर दो, उससे आगे मत बढ़ने दो। अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति क्रोध आया या किसी ने तुम पर अपना क्रोध बरसाया, दो ही तो केस है। तुम्हारे मन में यदि क्रोध आए तो जैसे ही तुम्हें समझ में आए मैंने गलती किया, सामने वाले से हाथ जोड़कर कहो, भाई साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे उस समय होश नहीं था, मैंने अपना विवेक खो दिया, मैंने वह कह दिया जो आपको नहीं कहना था, मुझे क्षमा करें, मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है, मैं हृदय से आपसे क्षमा मांगता हूँ। सामने वाले का मन पिघलेगा, सुनिश्चित तौर पर क्षमा करेगा, मामला वहीं दफन हो जाएगा, सब कुछ रफा दफा। और तुम पर कोई क्रोध कर दे तो भला भैया ठीक है, आपने मुझे माफ़ करो कि मेरे कारण आपको गुस्सा आया, मैंने आपके साथ कुछ अनुचित कर दिया, मैं क्षमा करो, दोबारा मैं कोशिश करूँगा कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। कर सकते हैं आप, बोलो कर सकते हैं, बोलो कर रहे हैं, एक की बात नहीं पूछ रहा हूं, सब की बात कर रहा हूं, और आज से इसकी शुरुआत कीजिए। आप लोग साल में एक बार क्षमावानी मनाते हैं, हम रोज 3 बार क्षमावानी करते हैं, आपको रोज क्षमावानी करना चाहिए, रोज एक बार क्षमा मांगने का भाव, किसी से मेरे साथ कुछ भी अनुचित संपर्क और संबंध बना तो मैं उससे क्षमा मांगूंगा।
क्षमा मांगने का भाव जिस मनुष्य के हृदय में बढ़ता है वही सहिष्णु होता है, वही आगे बढ़ पाएगा। तो अगर कहीं किसी के साथ ऐसा हुआ तो मैं क्रोध को विरोध का रूप नहीं लेने दूंगा, ये संकल्प अपने मन में जगा लीजिए। कर सकते हैं, किसी से विरोध नहीं। और एक बात और बताऊं, जब आप अपने भीतर विरोध को ढूंढोगे ना तो उसमें गैर नहीं सब अपने निकलेंगे। प्रायः लोगों का विरोध और विद्वेष अपनों से ज्यादा होता है। भाई भाई में विरोध, भाई भाई में विद्वेष, बहुत भयानक स्थितियां बनती है। हमें याद रखना चाहिए वैर विरोध विद्वेष हमारे जीवन को विकृत करता है, विषाक्त बना देता है। पारसनाथ भगवान और कमठ का चरित्र हम सबको पता है। कमठ ने अपने मन में वैर ऐसा बांधा, विरोध उसका विरोध प्रतिशोध में बदल गया, है ना। जहां विरोध पलता है वहां प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगती है। तो कहीं किसी का विरोध मत करो, खासकर अपनों का संबंध ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हारा विरोधी लगे नहीं, बल्कि तुम्हारी सामर्थ्य ऐसी होनी चाहिए जो करे तुम्हारा विरोध, तुम समझो उसे अपना विनोद। जो करे तुम्हारा विरोध, तुम समझो उसे अपना विनोद। विरोध को विनोद समझने की क्षमता ही वास्तविक क्षमा है। प्रेम भाव का विस्तार उत्तरोत्तर होना चाहिए, यह हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी जरूरत है। पर मनुष्य सद्गुणों को गौण कर दोषों को प्रमुखता देता है, और जब दोष और दुर्बलताएं हावी होती है तो अंदर से कमजोर हो जाते हैं। ध्यान रखना, कमजोर कौन? वह नहीं जो क्षमा धरता है, कमजोर वह है जो क्रोध करता है। तो हमें अपने भीतर ऐसा भाव जगाएं कि क्रोध ही ना हो, क्रोध हो जाए तो विरोध ना हो, और विरोध हो तो उसे आगे ना बढ़ने दे, वहीं खत्म करे, प्रतिशोध ना हो। क्या ना हो? प्रतिशोध। प्रतिशोध का मतलब क्या होता है? बदला लेने की भावना। बहुत भयानक। किसी भी व्यक्ति के साथ जब आपकी अनबन या खटपट होती है, परिस्थिति अनुकूल न होने पर हो सकता उस मूवमेंट में आप चुपचाप बैठ जाओ, पर मन में एक गांठ बंधती है और क्या सोचते हो? मौका आने दो, सबक सिखा कर छोड़ूंगा। बोलते हैं मौका आने दो, उसे जरूर सबक सिखाऊंगा, उसको उससे बदला लूंगा, उसे धूल चटा दूंगा। होता है? अपने मन से पूछो, किसी भी व्यक्ति से इस तरह का बदला लेने का भाव तो तुम्हारे मन में नहीं है? यदि है तो क्षमा धर्म के दिन अपने सोच को और पवित्र बनाओ, ऊंचे उठो और सामने वाले से बदला लेने की जगह अपने मन को बदल दो। मैं अक्सर कहता हूँ, बदला लेने का क्या मजा? मजा तो तब है जब सामने वाले के दिल को बदल दो, है ना? बदला लेने का क्या मजा? मजा तो तब है जब सामने वाले के दिल को बदल डालो। वो बदलेगा तुम्हारे व्यवहार से,
प्रतिशोध का भाव मन में आना नहीं चाहिए, पर कई बार ऐसा हो जाता है। इसमें गलतफहमियां भी बहुत काम करती है। इन सब से बचने का उपाय है बोध। क्या है? बोध। बोध यानी समझ, विवेक। यदि तुम्हारा विवेक जागृत है तो क्रोध नहीं होगा, कदाचित क्रोध आ गया तो विरोध नहीं होगा, और कदाचित कहीं से विरोध भी उत्पन्न हो जाए तो प्रतिशोध तो कभी नहीं होगा। बात केवल बोध को जगाने की है। अपने मन का बोध जगाओ, विवेक जागृत रखो। यहां कई बार मुझसे लोग कहते हैं, महाराज गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता, कैसे करें, है ना? कुछ लोगों का तो स्वभाव ही बन जाता है गुस्सा करने का। एक दिन मैंने कहा, जब चर्चा चल रही थी क्षमा धर्म की, कि क्रोध का कारण आने पर भी क्रोध नहीं आ करे, महाराज ये तो असंभव है, हमें कोई दूसरा रास्ता बताइए। मैंने कहा ठीक है, तो ये बहुत कठिन है सामान्य आदमी के, जो बिना वाद्य के नाचने का आदि है, वो बाजा बजे और न नाचे संभव नहीं, उसके पांव तो थिरकेंगे। जो बेवजह गुस्सा करता है, वो वजह पढ़ने पर गुस्सा न करे, असंभव जैसा लगता है, लेकिन ये असंभव भी संभव हो सकता है। यह असंभव भी संभव हो सकता है यदि मनुष्य के विवेक बुद्धि को जागृत रखा जाए। अपने विवेक बुद्धि को जागृत रखे। कैसे रखे? बोध हो, विवेक हो। देखिए, आपके जीवन के कुछ अनुभवों को उठाकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। कोई व्यक्ति कितना भी गुस्सैल है, हर किसी पर गुस्सा आता है क्या? हर किसी पर? कितना ही गुस्सैल है, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके नाक पर ही गुस्सा चढ़ा हो, वो व्यक्ति भी अगर किसी अधिकारी से बात करने जाए और वो उसे कुछ बोल दे, तो क्या प्रतिवाद करेगा? नहीं करेगा ना। क्यों? क्यों? उसे विवेक है। मैं किससे बात कर रहा हूं? यहां यदि मैं कुछ अनर्गल बात करूंगा तो बात बिगड़ जाएगी। यहां मुझे ठंडा रहना चाहिए, है ना? यहां मैं अनर्गल कहूंगा तो बात बिगड़ जाएगी, मुझे ठंडा रहना चाहिए। ये विवेक तुम्हारे उफान को शांत कर देता है ना? अनुभव बोलो है। तो भैया, हर पल के लिए दिमाग में एक कोड डाल दो और ये सोच लो कि गुस्सा करूंगा तो जीवन बिगड़ जाएगा, मुझे ठंडा रहना चाहिए। बोलो, पसंद नहीं आई बात? तो जम से तो बजाओ। बात ना बिगड़े इसलिए तुम अपने गुस्से को ठंडा करने को तैयार हो, जीवन ना बिगड़े इस भाव से अगर तुम तैयार हो जाओगे तो गुस्सा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। मेरा जीवन बिगड़ेगा, मेरे संबंध बिगड़ेंगे, मेरे संपर्क बिगड़ेंगे, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मुझे ऐसे गुस्से से बचना है। आप ग्राहक की कितनी सुनते हो? सुनते हो कि नहीं सुनते? हाँ, सुनते हो। जितने भी कस्टमर केयर में बैठने वाले लोग हैं, बेचारों की दुर्दशा कैसी होती है, कितने लोगों को झेलना पड़ता है, झेलता है, और न जाने क्या क्या बोला जाता है, पर सामने वाला बड़ा मीठा मीठा उत्तर देता है। क्यों?
क्योंकि उसको पता है मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें मेरी जवाबदेही है, सब कुछ रिकॉर्डिंग में चल रही है। यदि थोड़ा कुछ हुआ कैरियर खत्म, नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे कैरियर सामने होने पर वह व्यक्ति सामने वालों की 10 बात सुन सकता है, तो जीवन खराब होने का डर रखकर, संबंध बिगड़ने का डर रखकर अगर अपने घर वालों की 4 बातें सुन ले तो क्या बुराई है, इतना ही तो करना है। वहां सह सकते हो, यहां क्यों नहीं सह सकते, बोलो। हालांकि गुस्सा का एक स्वभाव है नीचे की तरफ बहने का, गुस्सा नीचे की ओर बहता है। जो कोई अधिकारी है वो अपने सबऑर्डिनेट को झाड़ता है, सबऑर्डिनेट अपने से नीचे वाले को झाड़ता है, उसके नीचे वाला चपरासी को झाड़ता है, चपरासी आके अपनी घरवाली को झाड़ता है, घरवाली अपने बच्चों को झाड़ती है, और बच्चे कुछ नहीं मिलता तो खिलौनों पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं, नीचे आता है। तो जब तुम ऊपर का सह सकते हो तो उसे वहीं रोको ना, आगे क्यों पहने दे रहे हो। अगर तुम्हारा विवेक जागृत है तो क्रोध का आवेग तुम पर कभी हावी नहीं होगा। इसलिए कहते बोध जगाओ, बोध जागृत होगा तो जीवन में वह सब कुछ स्वाभाविक तौर पर घट जाएगा जिसकी तुम्हें अपेक्षा है। अपना बोध जगाएं ताकि क्रोध पर अंकुश लगाया जा सके। समझ गया, बोध बहुत बड़ी ताकत, इसकी ही जरूरत। हर व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए। आचार्य कुंदकुंद कहते हैं अगर क्रोध के क्षणों में तुम्हारे मन में बोध बना रहे तो क्रोध का तूफान भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। पुग्गल कम्मम कोहो तस्य विवागो दवो हवदियेशो नहु एस मज्ज भावो जानग भावो दुअहमेको। ये पुद्गल का एक कर्म है क्रोध नाम का, जिसका फल आ रहा है, जो मुझे विचलित करने की स्थिति में है, पर ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो मात्र ज्ञायक स्वरूप हूँ, जानने और देखने वाला हूँ। ये विवेक जिसके अंदर आता है, क्रोध आता है यूं ही बह जाता है, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता। अपने अंतरंग में ऐसी भाव भूमिका बननी चाहिए। बोध होगा सब चीजें शांत हो जाएगी। अब रहा सवाल, बोध को बनाए रखने के लिए क्या करें। थोड़ा सा सकारात्मक सोचना शुरू करो। क्या करो, सकारात्मक, पॉजिटिव। किसी ने तुमसे कुछ कहा और तुम्हें गुस्सा आया, है ना? कब आता है, आपने किसी को कुछ काम सौंपा, उसने काम नहीं किया तो गुस्सा आ गया। किसी ने आपको कोई कमिटमेंट किया, उसकी पूर्ति नहीं की तो गुस्सा आ गया। किसी ने आपको कोई अनर्गल बात कह दी तो आपको गुस्सा आ गया। या किसी ने आपको एक साथ कोई अन्य प्रकार का दुर्व्यवहार कर दिया तो गुस्सा आ गया, है ना? यदि इन चारों स्थितियों में यदि आपकी सोच सकारात्मक होगी तो गुस्सा नहीं आएगा। जैसे किसी से आपने कोई काम कहा और उसने काम नहीं किया, काम अर्जेंट था, काम नहीं हुआ, एक प्रतिक्रिया, क्यों जी तुमने काम नहीं किया, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे तो कोई आशा उम्मीद नहीं, तुम सब सत्यानाश कर देते हो। प्रायः ऐसी ही प्रतिक्रिया करते हो ना, बोलो। और ऐसी प्रतिक्रिया हर उस व्यक्ति के प्रति भी हो जाती है जो आपके हर काम के लिए एक पांव पर खड़ा रहता है। उसने
आपने उसे कुछ काम कहा और उसने काम नहीं किया, ये आपके ईगो ने स्वीकार नहीं किया और आपने उसके ऊपर सीधे फायर कर दिया। कुछ लोग तो एकदम लोडेड ही रहते हैं, बस ट्रिगर को दबाने भर की देर है। क्यों? यदि उस समय आपकी सोच सकारात्मक हो तो आपकी प्रतिक्रिया बदल सकती है। भाई वो आदमी तो काम करने वाला है, काम नहीं किया तो जरूर कोई बात होगी। और ऐसा सोच, ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से आरोप की भाषा में बात नहीं करेगा। वो व्यक्ति उससे पूछेगा, भैया क्या हुआ, उस काम का क्या हुआ, उस काम का क्या हुआ? भाई साहब हमने ट्राई तो किया था पर कर नहीं पाया। क्या बात हो गई? सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई। क्या हो गई? सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई। गुस्सा आएगा? अगर वो सही सिचुएशन की बात बता रहा है, आपने कहा, काम बताया, काम नहीं हुआ, एक भाषा है तुमने काम नहीं किया और दूसरी भाषा है तुम काम नहीं कर पाए, इसमें अंतर है कि नहीं? काम नहीं किया आरोप की भाषा है, काम नहीं कर पाए ये एक सहज प्रतिक्रिया है। अगर व्यक्ति काम नहीं कर पाया ये तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आएगा, और तुम उसकी स्थिति को समझे बिना सीधे उस पर चढ़ाई करोगे तो गुस्सा क्या, सारे झंझट खड़े हो जाएंगे, है ना? चलिए थोड़ा और उदाहरण दे देता हूँ। 10 लक्षण का दिन, सवेरे में आना है, हो सकता है सवेरे सवेरे भी ऐसा हो गया हो, इसलिए यहीं से उदाहरण शुरू करता हूँ। आपने धर्मपत्नी से कहा सुबह से मेरी ड्रेस तैयार रखना, मुझे तो सफ़ेद धोती दुपट्टा चाहिए, शिविर की यूनिफॉर्म में जाना है। और जब आप उठे, आपने सामने धोती देखी तो सफ़ेद की जगह पीली धोती देख ली। अब ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ, पीली धोती वालों को देख के मत कह रहना कि ऐसा गड़बड़ हुआ, नहीं तो पंकज चक्कर में आ जाएंगे। लेकिन हो सकता है। अब क्या हुआ? क्यों, तुमसे कहा था सफ़ेद धोती रखने के लिए, तैयार करने के लिए, तुमने तैयार क्यों नहीं किया? पीली धोती, मैं जा रहा हूँ शिविर में, सबसे अलग रहूँगा, अच्छा लगेगा क्या? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, पहले चिंता करना चाहिए ना। बोलो सुनाओगे कि नहीं सुनाओगे? बोलो। ऐसा मौका आता है तो ऐसी ही प्रतिक्रिया होती है कि कुछ हटकर होती है ना? बोलो तो, थोड़ा दम से बोलो, होती है। अब सामने वाले की बात सुनी नहीं, उसने कहा कि आप सुनो तो सही, ये तो गनीमत है कि मैं एक्स्ट्रा धोती रखी थी तो मिल गई, रात में 2 बजे से कितना तेज पानी आया बौछार के साथ, पता है, जाके देखो बालकोनी में अभी भी धोती टंगी हुई है, मैं कहाँ सुखाती। बोलो ऐसा हो सकता है ना? हाँ, ऐसा हुआ है? बाद वाला हुआ, पहले वाला हुआ कि नहीं हुआ, ये पूछ रहा। किया नहीं या कर नहीं पाया, अगर इतनी सी समझ अपने अंदर आ जाए तो आपका बिहेवियर अपने आप बदल जाएगा। आप लोगों में बड़ी उतावलीपन होता है, अधीरता होती है, थोड़ा सा अभी देखो मैं उससे बात करता हूं, अरे पहले उसकी बात तो समझो। सीधे सीधे किसी पर चढ़ाई करने की आदत से बचो, सोच को सकारात्मक बनाओ, समझ गए? अब मान लीजिए किसी ने कोई गुस्सा कह दिया, ठीक है भैया गुस्सा तो कहा है, क्या बात है, गुस्सा है क्या, उसकी आदत है, बाकी और बाकी चीज़ें ठीक है, एक गुस्से को छोड़कर उसका जो स्वभाव है ना बहुत बढ़िया। अपने यहाँ एक आदमी है ऐसा कार्यकर्ता, चकर घन्नी जैसा घूमता, नाम तो नहीं दूंगा मैं, चकर घन्नी जैसा घूमता, और जो उसके स्वभाव को जानता है उसके मुरीद हो जाएगा, पर जो स्वभाव को न जाने,
पहली बार मिले तो कहेगा एक ऐसा आदमी, ये तो बड़ा तीखा बोलता है, पर वो आदमी की बोली तीखी है पर काम बड़ा मीठा है, जो काम हाथ में ले ले अंजाम तक पहुंचा दे, है ना? नाम ले लूँ क्या? सामने होगा तो लेंगे। तो ये ऐसा व्यक्ति कि एक स्वभाव है, और जो व्यक्ति उससे काम लेना चाहे तो उसे चाहिए कि उसकी अच्छाई को देखे, बुराई को नहीं। आप अपने घर परिवार में अपने नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण सामने वाले की अच्छाई से भी लाभान्वित नहीं हो पाते, अपने उससे क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया के कारण उससे और दूरी बढ़ा लेते हैं। अच्छाई देख लो, सकारात्मक सोच लो, काम खत्म। सुबह से चाय में चीनी कम पड़ी हो, गुस्सा आता आता है कि नहीं आता है? चाय में चीनी कम है, गुस्सा आ रहा है, अगर उस समय सोच लो कि शायद मेरी धर्मपत्नी मेरे सेहत के लिहाज से उसमें चीनी कम डाली हो क्योंकि मैं डायबिटिक हो रहा हूँ। बहुत लोग डायबिटिक होते जा रहे हैं, ऐसा सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते? सब्जी में नमक कम है तो हाँ, उस मेरी पत्नी को चिंता हो रही होगी कहीं बीपी ना बढ़ जाए, इस ख्याल से थोड़ा कम डाला। क्या ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो, हाँ बोलो जोर से, करते हो? एक दिन मैंने पूछा रतलाम में कि ये बताओ भाई, भोजन करने बैठे हो और तुम्हारी थाली में जो सब्जी है उसमें मिर्ची ज़्यादा हो, नमक बिल्कुल नहीं हो, तो क्या करोगे? चुपचाप खाओगे या थाली छोड़कर भागाओगे? चुपचाप खाओगे या थाली छोड़कर भागाओगे? एक ने हाथ उठाकर कहा, महाराज मैं चुपचाप खा लूँगा। हाथ उठाकर कहा, महाराज मैं चुपचाप खा लूँगा। मुझे उसकी क्षमता पर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं अपनी प्रतिक्रिया करता कि उसके बाजू में बैठा उसका दोस्त कहा, महाराज इसके अलावा इसके पास कोई चारा ही नहीं है। घरवाली ऐसी है कि प्रतिक्रिया करे तो ये भी गया, समझ गए? तो मेरा कहना केवल ये है कि हम अपने मानसिकता को ऐसी बनाए कि ये सद्गुण हमारे जीवन में अपने आप विकसित हो जाए। ये भाव जगाइए जिससे अपने जीवन के पथ को प्रशस्त किया जा सके और अपने जीवन की बेहतरी की जा सके, ये पुरुषार्थ करना चाहिए। तो दूसरी बात, सकारात्मक सोच। अब आज से सोच रखेंगे ऐसी आप लोग, सकारात्मक सोच। तीसरी बात, समग्रता का चिंतन। समग्रता का चिंतन का मतलब, कोई भी प्रसंग, कोई भी घटना घटे तो सामने वाले की जगह पर खड़े होकर के सोचना शुरू करो, केवल अपनी मत सोचो। सामने वाले की जगह खड़े होकर के सोचो। आप घर आए, ऑफिस से घर में आए, आपकी माँ आपको मिली और माँ ने आपकी धर्म पत्नी के बारे में खूब मिर्च मसाला मिलाकर चार बातें सुना दी। आपने सुना ठीक, और सीधे आकर अपनी धर्म पत्नी पर बरस पड़े बगैर उससे कुछ पूछे कुछ समझे, क्या ये काम ठीक है? ठीक है क्या? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलो, पूछना चाहिए ना? पूछते हो? पूछते हो? क्या होता है? उल्टा भी होता है आजकल, तो उल्टा होता है, पत्नी की सुनी जाती माँ की कम, अब बहुओं का राज आ गया है, सासुओं का नहीं, बदल गया है ट्रेंड। लेकिन जिसने सुनाई, तुमने सुनी आधी अधूरी बात समझी,
और सीधे अपनी प्रतिक्रिया दे दी, ऐसी प्रतिक्रिया जो तुम्हारे मन के द्वेष को बढ़ाती है, तुम्हें असहज और क्षुब्ध बना देती है। मैं ये नहीं कहता कि अगर किसी के बारे में कुछ कहा जाए तो तुम उसके बारे में कुछ मत सोचो। मैं ये कहता हूँ तुम सुनो, समझो, फिर प्रतिक्रिया दो। सीधी सीधी प्रतिक्रिया देने की आदत से बचो, तब तुम्हारे जीवन में मधुरता प्रकट होगी। सीधे प्रतिक्रिया देके क्या पाओगे? ठीक है, इनने कहा, मैंने सुना, सामने वाले से और समझ लेते हैं, फिर तटस्थ भाव से दोनों को बैलेंस कर दो, काम खत्म। निश्चित ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, बजी है क्या? नहीं बजी है। तो दोनों की हाथ को देखो और ताली ही न बजाओ, दोनों की ताल मिला दो, तालमेल करा दो, जीवन में आनंद ही आनंद है। तटस्थ व्यक्ति की यही स्थिति होनी चाहिए। पर यदि आपके मन में कोई पूर्वाग्रह बना रहेगा तो गड़बड़ होगा। समग्रता का चिंतन होना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, सामने वाले की पोजीशन बिल्कुल नहीं देखते और सीधे अपनी बात करते हैं। एक बार की बात, एक युवक, उसकी धर्मपत्नी मायके से आई, जहाँ वो रहता था रेलवे स्टेशन 100 किलोमीटर दूर था। अब सुबह 4 बजे गाड़ी आती, पत्नी ने फोन किया था कि मैं इस ट्रेन से आ रही हूँ तुम्हें लेने आना है। गया, खुद गाड़ी ड्राइव करके गया। पत्नी जब उतरी, सामान कुछ ज़्यादा था और जितना सामान था उससे ज़्यादा मायके का गुरूर था। गाड़ी छोटी, सामान ज़्यादा, गाड़ी छोटी, उफन गई। आपको तो कुछ समझ में नहीं आता, आए तो छोटी गाड़ी लेकर के आए हैं, ये भी कोई बात होती क्या? आपको पता नहीं इतना सारा सामान है, मेरे भैया लोग मुझे हमेशा कितना सामान देते, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप छोटी गाड़ी लेकर क्यों आए? पति बहुत समझदार था, ये वाकया मुझे आकर के उसने ही बताया। पति बहुत समझदार था, उसने कहा क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई, मैं गाड़ी छोटी लेकर आया हूँ, मैं जाता हूँ, तुम टैक्सी लेकर आ जा। वो गाड़ी खाली गाड़ी ले आया, बोला तुम टैक्सी लेकर गया। उसने बाद में मुझे बताया, बोले महाराज कैसा जमाना है, उसे ये ही नहीं लगा कि 3:30 बजे उठ करके मैं गाड़ी खुद ड्राइव करके उसके पास गया हूँ। उसे समझना तो चाहिए, मैं चाहता तो बड़ी गाड़ी लेकर जाने वाला था, लेकिन जब देखा तो गाड़ी पंचर थी, उतना मेरे पास समय नहीं था, और ड्राइवर आज उसको बुखार आया हुआ है, वो आने वाला नहीं था, मुझे सेल्फ ड्राइविंग में आना पड़ा। एक लंबे अंतराल के बाद मैं इतनी लंबी ड्राइव किया हूँ, उसे इन सब चीज़ों से तो मतलब नहीं, छोटी गाड़ी लेकर क्यों आए? बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब तक तुम अपने मन को ही सब कुछ प्रमुखता दोगे तो जीवन में ऐसे खेल होते रहेंगे। और मन को मोड़ने की कला विकसित कर लोगे तो जीवन ही तुम्हारे लिए खेल बन जाएगा, आनंद की कीड़ा स्थली बन जाएगी। थोड़ा ही बदलाव लाना है, ज्यादा की अपेक्षा नहीं है। मैं आपसे रोज उपदेश दूं, भैया गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, यही तो उपदेश रोज सुनते हैं। मैं क्या, सारे साधु संत और सारे धर्मग्रंथ यही तो कहते हैं, पर उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने का अभ्यास सबसे बड़ी आवश्यकता है। वो घट जाए तो जीवन निहाल हो जाए। तो अब 10 दिन तक समग्रता का चिंतन करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, अभी बताऊं, आज तुम्हारे क्षमा की परीक्षा अभी भोजनशाला में हो जाएगी। जाते ही पहला दिन, अभी तो अभ्यास ही नहीं है, है ना? कुछ लोगों के यहाँ तो खदबद शुरू हो गई होगी, चूहा कूदना शुरू हो गए होंगे 9:30 बजने को। अब वहां जाओगे, मैं मन की बात कह रहा हूं कि कैसा हमारा मन है। यहां 1 घंटे रुकने को तैयार हो तुम, वहां 5 मिनट का सब्र नहीं रहता।
और यदि किसी व्यक्ति को थोड़ा आगे पीछे कर दिया गया तो बोलो क्या प्रतिक्रिया होती। हालांकि व्यवस्था आपको मैं कहूँगा कि व्यवस्था ऐसी बनाओ कि कोई आगे पीछे ना हो, पर मैं आप सबसे कहता हूँ ये सब चीज़ें तो चलते रहती है, हमारा मन कहीं आगे पीछे ना हो, यही हमारी जीत है। ये दोष दुर्बलता है जो हमें हम पर हावी और हमें कमजोर बनाते हुए आ रही है, इससे मुक्त होना है, इससे ऊपर उठना है, तभी हमारे जीवन में मजा हो। क्योंकि क्रोध से कटता आती है, मन में गांठ बनती जाती है, और ध्यान रखो किसी धागे में जितनी गांठ लगाओ धागा उतना ही छोटा होता जाता है, होता है ना, अनुभव है ना सब, धागे में गांठ लगाओगे धागा छोटा होगा। मन में गांठ रहने ही मत दो, जीवन का पथ प्रशस्त होता रहे तो हमारा जीवन धन्य होगा। और चौथी बात, सामने वाले के नेचर को समझने की कोशिश करो। नेचर, किसी व्यक्ति के लिए ज्यादा गुस्सा आता हो, नेचर को मान लेने से, स्वीकार लेने से बड़ा अंतर आता है और सोच सकारात्मक होती है। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई, बहुत दुखी थी। एक दिन जब वो आई बहुत विवल होकर, उसने कहा महाराज जी क्या करूं, मैं तो फंस गई, मेरे पति बहुत गुस्सैल है। क्या हो गया? बोले महाराज बहुत गुस्सा करते, गंदी गंदी गालियां देते हैं, महाराज जी कभी सीधी मुंह बात ही नहीं करते। ठीक है, संयोग से उस गांव में एक पागल घूमता था, और वो पागल भी गंदी गंदी गालियां देता था। एकदम कोई भी निकले तो गालियां, कोई उसका काम ही गालियां देना। मैंने उससे पूछा, तुम घर से मंदिर आते हो या कहीं निकलते हो, कभी रास्ते में उस पागल को देखे? बोले हाँ देखे। बोले क्या करता? बोले गालियां देता। तुम्हें कभी मिला? मिला आज भी मिला था। बोले गालियां दी? बोले हाँ गालियां दी। बोले तुम्हारा पति ऐसी गालियां दे? नहीं नहीं महाराज, वैसी गाली नहीं देते, पर महाराज जी अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदा बोलते हैं। तुमने कहा पागल ने तुम्हें उससे भयानक गाली दी, तुमने आज तक उस पागल की शिकायत क्यों नहीं की? पागल ने उससे भयानक गाली दी, उससे गंदी गाली दी, तुमने उस पागल की शिकायत क्यों नहीं की? बोले महाराज उसकी क्या शिकायत करना, वो तो पागल है। तो मैंने कहा अपने पति की शिकायत क्यों कर रही है, समझ लो वो पागल है। और जिस व्यक्ति को ये विवेक ना हो कि अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से कैसे शब्दों का प्रयोग करना, वो समझदार कहाँ, पागल ही तो कहलाएगा। इसलिए बजाओ जोर से, वो पागल ही तो कहलाएगा। इसलिए जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो समझ लो वो पगला गया, पर कहना मत, कहने की गलती मत करना, नहीं तो उसका पागलपन तुम्हें खा जाएगा। बस सोच बदल लो, उसका नेचर समझ लो, उसके प्रति अपनी दृष्टि बदल दो, तो जीवन में एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। इतना ही तो खेल है। और फिर एक अनुभूत प्रयोग जो मैं सबको कहता हूँ, भावना योग। नियमित भावना योग करिए, प्रचंड क्रोधी भी शांत मूर्ति बने। मैंने अनेक बार ऐसे अनेक लोगों का उदाहरण सुना है। क्या करना है? मुझे शांत रहना है। बस ये सब तुम लोगों को तभी याद रहता है जब महाराज के पास रहो, बाद में नहीं। अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए, जिससे जीवन में स्थायी परिवर्तन घटित हो सके और हम आगे बढ़ सके। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज
आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।